लीकेज होने के बाद जो है छतों में से पानी लीकेज होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा नैनी ट्रैप है। जो भी चौकअप होता है, जैसे किचन, बाथरूम, टॉयलेट, किधर भी हो, तो ये नैनी ट्रैप वहाँ पे लगा हुआ होता है और उसके ऊपर टाइल्स आती है। यहाँ तक ये पूरा लगा होता है और सिर्फ हमें ऊपर का जो है ट्रैप की जाली दिखाई देती है और नैनी ट्रैप जो है वो पूरा अंदर दबा हुआ होता है। तो इसका ब्लॉकेज जो होता है, ये ऐसे पाइप इंटरकनेक्टेड होने के बाद जो है ब्लॉकेज पाइप में इधर होता है, किसी भी साइड मुंह रहने दो तो ब्लॉकेज इधर होता है। और हम क्या करते हैं, सलाई रॉड या जो भी है वो यहाँ पे डालते हैं। इसके वजह से यहाँ पे प्लास्टिक रहने से ज़्यादा ज़ोर से हम क्या करते हैं, क्रैक हो जाता है। जैसे ही यहाँ से क्रैक होता है तो यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाता है दोस्तों। जैसे आप साइड में वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर के मना करने के बावजूद जो है कस्टमर ने क्या गलती की, वहाँ पे रॉड जो होता है, रॉड उन्होंने नैनी ट्रैप में घुसा दिया और वहाँ पे आप खुद देख सकते हो वो पूरे अपार्टमेंट के अंदर अब इश्यू क्या हो गया था वहाँ पे, ये वाटर लीकेज का प्रॉब्लम। हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी ब्लॉकेज होता है तो कोई भी ऐसे शार्प हार्ड चीज़ का भी इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपको भी ये जो साइड में वीडियो देख सकते हैं आप, वैसा इशू आपको भी अभी आ सकता है। तो ब्लॉकेज हमारा इधर होता है, तो उसके लिए करें क्या, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेन साफनर, जी हाँ ये भी एक पूरी आता है। और अभी हमने हार्ड के लिए, यानी समझो मान लो 20-25 फुट आगे तक का अगर लीकेज है वहाँ पे, 20-25 फुट आगे जाकर अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ पे ये पूरे काम नहीं करता। ये 5 फुट 3 फुट के तक 2 या 3 पुड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे अगर हार्ड होगा तो हमने ये नया प्रोडक्ट लाया है इसका। जल्दी हम एक कस्टमर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला आएगा तो हम वहाँ पे फ्री डेमो देखने वाले हैं और रिजल्ट भी वहाँ पे आपको लाइव दिखाएंगे। तो जैसे कि मेन बेसिक आपको बताने वाली वो जो चीज़ है, तो ब्लॉकेज जो होता है दोस्तों वो हमेशा इधर होता है पाइप के इधर, और नैनी ट्रैप यहाँ पे होता है। तो कभी भी ऐसे ना करें, चाहे तो आप तार ले, बाइंडिंग तार, तार को हमें क्या करना है, ये जो होल दिख रहा है ये होल में यहाँ से हमारे को डालना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, होल में यहाँ डालने से बदल ये जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, हम ड्रेन बॉपडर जो कहते हैं, ड्रेनेज, ड्रेन पाउडर, ड्रेन प्लग, XYZ हर ब्रांड का अपना अपना नाम आता है। ये पूरी ऐसे ही आप वहाँ पे वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो साइड में आप डेमो भी देख सकते हैं ये पूरी डालने के बाद का रिजल्ट। तो ये पूरी डालने के बाद यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपका ये ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा। अगर लेकिन आपने जो मैंने बताया वो गलती दोहराई, अगर यहाँ से लीकेज अगर हो गया, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताऊँगा कि वो कैसे हम उसे ठीक करते हैं। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर ब्लॉकेज होता है नैनी ट्रैप में वो इधर यानी डाउन साइड में नहीं होता है, हमेशा जो ब्लॉकेज होता है वो पाइप के पैरेलल लाइन में जब भी जहाँ आगे जाके जो है वहाँ पे ये ब्लॉक होता है। तो कभी भी एक गलती कभी ना दोहराए, और ये कभी भी नैनी ट्रैप के अंदर आप खड़ा यानी स्ट्रेट में कभी भी कोई रॉड सलाई या फिर कोई भी ऐसी XYZ जो चाहिए होता है ब्लॉकेज करने के लिए उसे पुश ना करें। तो बेहतर रहेगा आप जो है प्लम्बर की सलाह लें या तो फिर पाउडर या तो कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो लिक्विड फॉर्म में ये होल जो दिख रहा है आपको नैनी ट्रैप का, ये होल में से यहाँ से पास ऑन होके आपके ब्लॉकेज पर जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से वो पास होके इधर ब्लॉक को आपका निकल जाएगा। सलाई जो होती है, जो बैंड होती है, वो तार भी यहाँ से डाल के आपको ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने ये गलती कर दी तो मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये या तो पूरा टाइल्स तोड़ के नए से पाइप आपके बाथरूम में करना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा। तो खर्चा बचाने के लिए बेहतर राय मैं यही देता हूँ कि कभी भी प्लम्बर को बुलाएं या तो लिक्विड या तो ड्रेन साफनर का इस्तेमाल करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे आपके अपने चैनल सुपर कंपनी के लिए। जय।